अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अभी शाम का टाइम है, आज मैं वन टेक में जो है वो अपने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ कुछ अपनी फीलिंग्स हैं जो कि शेयर करना चाह रही हूँ। तो अभी मैंने बस मोबाइल उठाया है और मैंने सोचा कि बस अब मुझे जो है, पहले मैं थोड़ा सा सोच रही थी मैं ये शेयर करूँ ना करूँ, बट मैंने कहा नहीं, जब हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो हम अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ जो है वो अपने व्लॉग्स में हमें जो है वो दिखानी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए। तो मैं यहाँ बस आके बैठ गई थी अभी बेड पे, और टाइटल से आप लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि बहुत ही कुछ अजीब सा मैंने आज टॉपिक जो है वो रखा है, बट अपनी फीलिंग्स हैं जो कि शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज सीन कुछ ये कि आज जो है वो 22 अक्टूबर है और आज मेरे बेटे की हसन की बर्थडे होती है 22 अक्टूबर को। आज माशाल्लाह से वो 11 साल के हो गए हैं, बट मैं अपने बच्चे की बर्थडे उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाई या नहीं कर सकी, क्योंकि कुछ इशूज़ ऐसे कि मैं नहीं उस तरीके से उसको सेलिब्रेट कर पाई जिस तरीके से बाकी पेरेंट्स करते हैं, या उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड होते हैं बच्चे अपने बर्थडे वाले दिन के, हमारे साथ जो है वो हम ऐसे हमें सेलिब्रेट हों, बैलून्स लगें और रिलेटिव्स को उनके फ्रेंड्स को इनवाइट किया जाए और बर्थडे सेलिब्रेट की जाए एक प्रॉपर वे में, बट ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अपने घर में जो है वो बच्चों को कुछ मंगवा के जो है वो खिला दिया और उसका बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट करवा दिया। और गिफ्ट जो है वो मैं उनको पहले ही एक छोटा सा दिला चुकी थी, तो इसलिए मैंने उनको आज कुछ भी नहीं दिलाया। लेकिन ये कि मैं प्रॉपर सेलिब्रेट नहीं कर सकी अपने बच्चे की बर्थडे, तो इसके लिए आज काफ़ी मैं गिल्टी फील करा मैंने, और मैं काफ़ी जो है वो सैड भी रही, उदास रही आज मैं, कि बच्चे जो है वो अपने बर्थडे को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज हमारी बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करें इस डे को अपने फ्रेंड्स के साथ और बैलून्स लगें और एक प्रॉपर वे में जो एक सेलिब्रेशन होता है, खाना वगैरह बनवाया जाए, केक कटिंग हो, बट ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं आज उदास रही। आज सैटरडे का दिन भी था, बच्चों के स्कूल से भी ऑफ था, लेकिन मैं सेलिब्रेशन इनकी नहीं कर सकी। तो बस यही मेरी कुछ फीलिंग्स थी जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ नाम ही स्ट्रगल का है, और यहाँ स्ट्रगल का, लाइफ का दूसरा नाम स्ट्रगल है कि वो आपको करनी है और आपको अचीव करना है अपना गोल जो आपने लाइफ में अपनी जो है वो सेट किया है, तो इंशाल्लाह हम भी ज़रूर अचीव करेंगे। तो बस मैं नहीं सेलिब्रेट कर सकी, रीज़न आप लोग जानते ही होंगे, मैं समझती हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मुझे जो है वो बताना चाहिए करना चाहिए, सब समझदार है। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। कुछ इमोशनल भी हुई मैं आज, लेकिन ये कि मैंने फिर ख़ुद को अपने आप को जो है वो इनक्रेज किया, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना बच्चे को जो है वो, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अपने बेटे की बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी, अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। कोई बात नहीं, अगर इस साल हम नहीं कर सके तो ऐसा इशू नहीं है, कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी आप लोगों के साथ की। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़रूर देख लिया करें वीडियो एंड तक। छोटी सी वीडियो होती है, कोई इतनी लेंदी नहीं होती, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज सैटरडे है, कल संडे है, बच्चों का कल भी ऑफ है, तो बस बच्चे जो हैं वो अभी नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो यहाँ बैठी थी बेड पे अपने, तो मैंने सोचा मैं अपनी एक वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।